बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत डायरेक्टर एंड गुरु चीफ हरियाणा। साथियों आज हम पहुंचे हैं सोना में फ्रेंड्स कॉलोनी में, और यहां फ्रेंड्स कॉलोनी में जो अभी पार्षद है भाई कुलदीप जी और लक्ष्मण जी, तो आज हम कुलदीप जी से जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या एजेंडा लेकर के चल रहे हैं और क्या स्पेशल वो चेयरमैन बनने के बाद में क्या कुछ स्पेशल जनता के लिए वो करना चाहेंगे। भाई नमस्कार। भाई सबसे पहले तो मैं आपका बीपी न्यूज चैनल और आज तक गुड़गांव पर वेलकम करता हूँ। तो भाई अभी आपने लॉकडाउन के दौरान तमर साहब बहुत अच्छे सामाजिक कार्य किए, चाहे वो गरीबों को भोजन बंटवाने की बात है, चाहे वो सैनिटाइजिंग की बात है, या प्रवासियों को उनके घर पहुँचाने का काम आपने किया है। आपकी बात सर क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं आप? अपनी बार जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और हमारे जो बेचारे ये रह रहे हैं यहाँ पर लोहार जाति के लोग रह रहे हैं, और झुग्गी झोंपड़े वाले रह रहे हैं, और बेचारे हमारे जो नीचे कास्ट के जो काम कर रहे हैं बेचारे, इनको टाइम से वेतन नहीं मिलता और इनको साफ सफाई के लिए कोई साधन नहीं मिलता। इनके लिए जो हम अपनी नगर परिषद से उम्मीद करेंगे बनने के बाद जो इनको मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ। जी। अच्छा एक तौर साहब मैं जानना चाहूँगा, 200 साल से लगभग ये गाड़ियाँ लोहार पड़े हैं बेचारे यहाँ पे, वोटर भी है, ये वोट भी देते हैं, इनको यूज किया जाता है, लेकिन प्रोटीन की जब तो बात आती है तो इनको वहाँ का अधिकार नहीं मिलता। इनके लिए सर क्या करेंगे आप? सर ये है कि जो ये अपनी जो ये बचे हुए हैं यहाँ पे ना, ये सर ये उनका मिस यूज किया जाता है हर बार। जी जी जी। हर बार नेता भी नेता बनते हैं, और फिर हमारी निचली कास्ट में पहली बार तो एक सीट आई है, महिला सीट आई है, ठीक है जी, और तो इसमें आएंगे तो हम इनको अब इनका कुछ देखेंगे, और फिर हम इनको जो भी रेजिडेंस वगैरह इनको बनवा के इनको रखवाने का काम करेंगे। अच्छा तब साहब बहुजन समाज पार्टी को 1984 से लेके अब तक हरियाणा में इतने दिन हो गए, एक जेजेपी पार्टी जो मात्र 6 महीने की पार्टी है उसका डिप्टी सीएम बन सकता, बहुजन समाज पार्टी क्यों पिछड़ रही है, मतलब क्या रीजन है, क्या कारण? सर ये हमारे जो आपस में ना इन लोगों की कमी के कारण ये पिछड़ रहे हैं, और आपस में फूट एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, एकजुट हो पाएंगे तो क्या नाम है हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और क्या नाम है बाबा साहब के मिशन पे चल पाएंगे, इस कारण से क्या नाम ये पिछड़ रहे हैं जी इनका थोड़ा। अच्छा एक सर मैंने इसमें खास रीजन और देखा तवर भाई, इसमें जो प्रभारी है वो भी जाटव समाज से है, अध्यक्ष है वो भी जाटव समाज से है, महासचिव वो भी जाटव समाज से, और किसी कास्ट को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, तो एक समाज से कैसे पार्टी संगठित हो? क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? अरे कुछ नहीं, बस दिस नहीं आ रही तो क्या करूं घर में बैठकर बोर हो रहा हूं। अच्छा तो फिर एक काम करो, गूगल पर जाकर www.rangtv.com डाउनलोड करो और देखो अपने मनपसंद प्रोग्राम बिना डिस्केबल के। हाँ बिल्कुल भाई, बिना डिस्केबल के। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल, तो फिर लो मैं भी डाउनलोड करता हूँ। इलेक्शन के टाइम में 5 साल तक तो जय भीम के नारे लगाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई कांग्रेस की तरफ अग्रसर हो जाता है, कोई नेता की तरफ अग्रसर हो जाता है। हमारे जो बड़े ठेकेदार है वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को नहीं आने देना चाहते। सर आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मैं सहयोग साथ प्रेम कर बहुत हरियाणा।